प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी उज्जैन बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार 10 पद के लिए चुनाव किए जाएंगे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुसार 25 फरवरी को चुनाव अधिकारी के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। उज्जैन बार एसोसिएशन के चुनाव 31 मार्च तक हो जाएंगे, 25 फरवरी तक चुनाव अधिकारी की घोषणा हो जाएगी। यह जानकारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक यादव ने दी है। उन्होंने बताया चुनाव के एक महीने पहले ही चुनाव अधिकारी के नाम की घोषणा की जाएगी। वे सहायक निर्वाचन अधिकारियों के नाम की घोषणा करेंगे और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। बार की परंपरा के मुताबिक 31 मार्च तक निर्वाचन कार्य कराया जाएगा। इस बार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव और कोषाध्यक्ष के अलावा 5 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए चुनाव होंगे। पिछली बार 17 पदों के लिए चुनाव हुए थे। साथियों, जब मैं 2019 को अध्यक्ष पद के लिए यहाँ निर्वाचित हुआ था, उसके बाद से हमेशा हमारा अध्यक्ष कार्यकाल एक वर्ष का रहता है। कोविड-19 के कारण मार्च में चूंकि चुनाव हम संपन्न नहीं करा पाए, हमारी मजबूरी थी, लेकिन मैं हमारी जो बार एसोसिएशन की जो परंपरा है उसके अनुसार पहले 31 मार्च को ही चुनाव संपन्न होते थे। उसी परंपरा को मैं पुनः कायम रखते हुए, जबकि मेरा 2 माह का कार्यकाल अभी अतिरिक्त शेष है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा संदेश जाए हमारे अभिभाषक साथियों को, उसमें सभी पदों पर हम 31 मार्च को चुनाव कराकर 1 तारीख को नई कार्यकारिणी यहाँ पर शपथ ले लेगी और शीघ्र ही पारदर्शिता के साथ चुनाव हो। जो भी अभिभाषक साथी इसमें विभिन्न पदों पे 6 पद हैं और 5 कार्यकारिणी के पदों के लिए निर्वाचन होना है, जिसके लिए अभी इस माह के अंत में, फरवरी के अंत में मैं चुनाव अधिकारी की घोषणा कर दूंगा और वह चुनाव अधिकारी अपनी टीम के साथ निर्वाचन संपन्न। बार में 2500 से ज्यादा सदस्य हैं। चुनाव में वे ही सदस्य मतदान कर सकेंगे जिन्होंने उज्जैन बार एसोसिएशन की फीस जमा कराई है। बगैर शुल्क जमा कराए न तो सदस्य चुनाव लड़ सकेंगे और न ही वोट डाल सकेंगे। पिछले दिनों बार काउंसिल निर्देश जारी किए थे कि जिन बार संघों में चुनाव होना है लेकिन कोविड के कारण वे चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, अब वे 15 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से चुनाव करा ले। पूर्व चुनाव स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पर ही टाले गए थे। उज्जैन बार के चुनाव में महिदपुर, तराना, बड़नगर, नागदा और खाचरोद के वकील मतदान कर सकेंगे जो इसके सदस्य है, यानी तहसील बार एसोसिएशन के सदस्य भी नए अध्यक्ष के निर्वाचन में अहम भूमिका निभाएंगे। बार एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक यादव का कहना है कि बार अध्यक्ष के लिए इस बार 20 साल की प्रैक्टिस करने वाले सदस्य चुनाव लड़ सकेंगे। इसके अलावा सचिव के लिए 15 साल और अन्य पदों के लिए 10 साल की प्रैक्टिस व कार्यकारिणी सदस्य के लिए 7 साल की प्रैक्टिस करने वाले सदस्य खड़े हो सकेंगे।